नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आपके सपने में। मैं अंशु यहाँ पे लेकर के आती हूँ सपनों की व्याख्या। आज का जो हमारा सपना है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये सपने कुछ इस तरीके से हैं, जैसे ई शब्द से जितने भी सपने आते हैं, जैसे इमली देखना और ईक का खेत देखना, इडली सांभर, अपने ईष्ट देव को देखना, इस तरीके से जो ई शब्द से रिलेटेड सपने आते हैं, आज मैं उनके बारे में आपको व्याख्या बताने वाली हूँ। यहाँ पर ये 10 से 12 सपने हैं, इन सपनों का हम यहाँ पे अर्थ जानने वाले हैं। यदि सपने में आप इमली खाते हैं, यह देखते हैं, यदि कोई महिला इमली खा रही है तो औरत के लिए शुभ व पुरुष के लिए अशुभ हो सकता है। इडली सांभर खाते देखना, सभी से सहयोग मिल सकता है। इष्ट देव की मूर्ति चोरी होना, मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकते हैं। इश्तहार पढ़ना, धोखा मिल सकता है, चोरी हो सकती है। इत्र लगाना, अच्छे फल की प्राप्ति है, मान सम्मान बढ़ेगा। इमारत देखना, मान सम्मान बढ़ेगा और धन लाभ भी होगा। ईंट देखना, कष्ट मिलेगा। इंजन चलता देखना, यात्रा हो सकती है, शत्रु से सावधान। इंद्रधनुष देखना, संकट बढ़ सकता है, धन हानि हो सकती है। इक्का देखना, हुक्म का दुख व निराशा मिल सकती है। इक्का देखना ईंट का, कष्टकारक स्थिति हो सकती है। पान का इक्का देखना पारिवारिक क्लेश हो सकते हैं। इक्का देखना चिड़ी का गृह क्लेश व आर्थिक आने की सूचना हो सकती है, अतिथि आने की सूचना मिल सकती है। तो ये थे वो सपने जिनके यहाँ पे मैंने आपको व्याख्या बताई। यदि आपको उनमें से एक भी सपना आया है तो आप उनकी व्याख्या यहाँ पे जान सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो जानकारी अच्छी लगती है या अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।